कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर इच्छाओं को रहते प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई और प्राण के रहते इच्छाएं चली गई तो मुक्ति। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो अपने लक्ष्य को खोजना ही आप अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। काम बड़ा करो लेकिन बर्ताव ऐसे रखो कि तुमने कुछ किया ही नहीं, यही एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है। लोग जैसे हैं उन्हें उसी रूप में पसंद करने और स्वीकार करने की कोशिश कीजिए, न कि यह अपेक्षा या कामना कीजिए कि वे वैसे हो जाएं जैसा आप चाहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य का पता लग गया उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो ये सभी प्रश्न तुम सिर्फ स्वयं से करो। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। प्यार और सम्मान दो ऐसे उपहार हैं, अगर सभी को देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं। कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखा नहीं करते।